1950s में जब ग्रेगरी पेक इंडिया आए थे तो उनकी एक बहुत फेमस मुलाकात हुई थी एक्ट्रेस सुरैया से। इस मुलाकात ने फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में काफी सुर्खियां बटोरी थी और सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रेगरी पेक सुरैया से खास मिलने क्यों आए थे, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विथ राहुल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने बड़े हॉलीवुड एक्टर ग्रेगरी पेक इंडिया आकर सुरैया जी से क्यों मिले, तो उसका रीजन है कि सुरैया जी 1940s और 50s में बॉलीवुड पर राज करती थी। पर्दे पर तो दिखती ही थी, अपने गाने खुद गाती थी, फिल्में करने के लिए सबसे ज्यादा पैसे लेती थी, महा सक्सेसफुल थी। इन अ नटशेल, सुरैया जी वॉज अ बिग डील इन बॉलीवुड। सुरैया और ग्रेगरी पेक 1954 में मिले थे, लेकिन इस मुलाकात का बीज सुरैया जी ने 2 साल पहले ही बो दिया था। 1952 में इंडिया में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जहां मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर फ्रैंक कैप्रा आए थे, जो ग्रेगरी पेक को जानते थे, और ये बात सुरैया जी जानती थी। सुरैया जी ने उस फिल्म फेस्टिवल में फ्रैंक कैप्रा को अप्रोच किया और ये कहा कि मैं ग्रेगरी पेक की बहुत बड़ी फैन हूं, और सुरैया जी ने अपनी एक तस्वीर पर ऑटोग्राफ करके फ्रैंक कैप्रा को दिया और ये कहा कि इस तस्वीर को ग्रेगरी पेक तक पहुंचा दीजिएगा। किसी लड़की का अपनी तस्वीर किसी दूसरे आदमी को देना, ये एक बड़ी बात है आज भी, तो उस जमाने में कितनी बड़ी बात होगी। इस बात की खबर मीडिया में कुछ लोगों को लग गई कि सुरैया जी हैज अ बिग क्रश ऑन ग्रेगरी पेक, और सुरैया जी ने भी कभी इस बात को छुपाया नहीं। बाय दिस टाइम उनकी रिलेशनशिप विथ देवानंद खत्म हो चुकी थी, एंड आई एम श्योर कि सुरैया जी ने जब ये तस्वीर ग्रेगरी पेक के नाम भेजी होगी तो उनको उम्मीद भी नहीं होगी कि कभी उनका ड्रीम मैन इंडिया आएगा और उनसे मिलेगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि 1954 में ग्रेगरी पेक श्रीलंका में थे अपनी एक फिल्म की शूटिंग करने, और उनको इनविटेशन मिला फिल्म फेयर की तरफ से एक अवार्ड्स नाइट अटेंड करने के लिए, और इस वजह से ग्रेगरी पेक का इंडिया आना हो गया। ग्रेगरी पेक इंडिया आकर जिस फिल्मफेयर अवार्ड्स नाइट को अटेंड करना चाहते थे उसको वो अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि उनकी फ्लाइट लेट हो गई। लेकिन ग्रेगरी पेक आफ्टर पार्टी जो अवार्ड्स के बाद होती है उसमें शामिल हुए, और उसी पार्टी से आपने अभी वो ग्रेगरी पेक वाली पिक्चर देखी थी, और इस पार्टी में सुरैया जी नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि सुरैया जी चली गई आकर, कुछ लोग ये कहते हैं कि सुरैया जी तो अवार्ड्स फंक्शन में आती ही नहीं थी। रिजल्ट यह था कि सुरैया और ग्रेगरी पेक फिल्मफेयर अवार्ड्स की पार्टी में नहीं मिल पाए। लेकिन कुछ लोगों ने ग्रेगरी पेक को यह बताया कि सुरैया जो यहां की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, आपकी बहुत बड़ी फैन हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। फिल्मफेयर अवार्ड्स की आफ्टर पार्टी के बाद ग्रेगरी पेक को सुरैया जी के घर ले जाया गया। तारीख थी 5 जनवरी 1954, रात के 11:15 बज चुके थे जब ग्रेगरी पेक फाइनली सुरैया जी के मरीन ड्राइव वाले घर पर पहुंचे। मरीन ड्राइव बॉम्बे में एक बहुत ही पॉश एरिया था, आज भी बहुत पॉश एरिया है, और सुरैया जी क्योंकि एक बहुत बड़ी स्टार थी उस जमाने में, वो अफोर्ड कर सकती थी मरीन ड्राइव पर रहना। ग्रेगरी पेक ने जब सुरैया जी का दरवाजा खटखटाया तो सुरैया जी ऑलरेडी सो चुकी थी। सुरैया जी की माँ ने दरवाजा खोला और ग्रेगरी पेक ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और ये पूछा कि क्या सुरैया मैडम हैं। सुरैया तब अंदर से बाहर आई और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि फाइनली वो किससे आमने सामने मिल रही हैं, दी ग्रेगरी पेक।
ये मशहूर मुलाकात बिटवीन सुरैया एंड ग्रेगरी पेक जो एक घंटे तक चली थी सुरैया जी के घर पर, उसके बारे में सुरैया जी ने कई साल बाद अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि ग्रेगरी पेक के जाने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाए। ये बात हम समझ सकते हैं, अगर आप किसी के बहुत बड़े फैन हैं और वो खुद आपके घर तक चलता हुआ आ जाए जिसकी आपको उम्मीद भी ना हो, तो शायद आपके साथ भी ऐसा ही होगा। एक चीज और बताता हूं, ये मुलाकात हुई थी 5 जनवरी 1954 को, दो दिन पहले ही 3 जनवरी 1954 सुरैया जी के एक्स लवर देवानंद साहब ने चुपके से कल्पना कार्तिक जी से शादी कर ली थी ऑन द सेट्स ऑफ हिज फिल्म टैक्सी ड्राइवर। क्या किस्मत है। उस सीक्रेट शादी पर हमने एक वीडियो बनाया है, इसको आप देखिएगा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है। मैं मिलूंगा आपसे इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।